हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइज, आज सुबह सुबह मस्त जग चुके हैं क्योंकि 9 बजे मुझे जाना था। आपको कल के वीडियो में बता ही दिए थे, तो आज देखिए टाइम 8:43। तो फाइनली तैयार हो चुके हैं जाने के लिए चिक्कू के साथ। तो अभी चिक्कू हो रहा है तैयार, तब तक हम चाय और बिस्किट का नाश्ता कर लेते हैं। देखते हैं आज कहाँ जाने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, एक काम के तलाश में हम सब जा रहे हैं। किसी जगह इंटरव्यू देना है, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, रास्ता में ही इंटरव्यू देंगे। देखते हैं, जाएंगे ट्रेन से और आप सबको भी दिखलाते हैं। तो ये देखिए, पहले तो चाय और बिस्किट अपना आ गया है। चाय और बिस्किट पियेंगे, उसके बाद चलेंगे। अभी सोकर हमारी देवी उठी है, देख लीजिए सुबह सुबह इसका चेहरा। गुड मॉर्निंग। तैयार हम हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं है। उसे अभी बोल दिए थे कि अभी तैयार नहीं हुए हैं, तो अभी फटाफट से वो तैयार हो रहे हैं। तो चाय नाश्ता करके तब तक कंप्लीट रहते हैं, उसके बाद सीधे निकलेंगे स्टेशन, और स्टेशन से जाना है शायद रोसड़ा। दोस्तों, चाय फिनिश और लग रहा है बिस्किट पूरा भरा हुआ, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। जा रहे हैं रोसड़ा घाट और देखते हैं काम मिलता है या नहीं मिलता है। मिल जाएगा तो बेटर है, नहीं मिलेगा तब पर ही बेटर है। करने का इच्छा नहीं कर रहा, अब करने का इच्छा कर रहा है खुद अपने दम पर। कुछ भी कीजिए, अपने दम पर कीजिए। जैसे यूट्यूब में ही हमारा व्यूज नहीं बढ़ता है, तो अपना दम लगाकर, पैसा लगाकर, वीडियो बनाकर, सब चीज़ करके अपने ही दम पर कर रहे हैं। तो चलते हैं, चलें। जूता भी नहीं पहने हैं, पहले जूता पहनते हैं। चलिए फटाफट से जूता पहनते हैं, उसके बाद निकलेंगे। सो फाइनली गाइस, चिक्कू भाई भी आ चुके हैं। अब चले यहाँ से हम दोनों जल्द से जल्द, क्योंकि ट्रेन का समय काफ़ी नज़दीक हो चुका है। चलिए, मौसम बड़ा ही प्यारा हो रखा है, आपको दिखला दे। ये देखिए, बंद कर, बता नहीं कराओ कर जाएगी। वीडियो बनाते हैं ना, थोड़ा सा इनको दिक्कत होने लगता है। कोई बात नहीं, अभी ट्रेन देख रहे हैं। चुके हैं स्टेशन पर और शॉर्टकट मार रहे हैं हम और चिक्कू भाई। जीन्स पहन कर चढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है स्टेशन पे। रुक जा रुक जा रुक जा, दौड़ते हुए कुछ जाओ। हाँ, तो फाइनली ऊपर चढ़ गए हैं स्टेशन से। चलिए, ये रहा अपना खगड़िया स्टेशन। तो गाइस, आज का सफ़र होने वाला खगड़िया स्टेशन से। अभी खगड़िया स्टेशन के बाहर में है, और ये देखिए अपना खगड़िया का महा स्टेशन। तो चलते हैं अब अंदर, देखते हैं अपना ट्रेन आने ही वाला है। तो भीड़ भी देख लीजिए, काफ़ी हद तक है। चलिए, तो फिलहाल अभी इस ट्रेन के बाद अपना ट्रेन आने वाला है। ये देख सकते हैं इस साइड में बड़ा भारी संख्या में भीड़ लगा हुआ है। इस ट्रेन के बाद अपना ट्रेन आएगा। कौन सा ट्रेन हुआ सर? कामाख्या एक्सप्रेस। कामाख्या एक्सप्रेस लगा हुआ है अभी। फाइनली गाइज, अपना गाड़ी यहां पर आ चुका है, देख सकते हैं। कहीं पर भी चढ़ जाइए, अपना ही रास्ता समझिए। चलिए, भीड़ यहां पर थोड़ा कम है। तो गाइज, अपना यहाँ पर सीट मिल चुका है। ये देखिए, चिक्कू भैया भी वहाँ पर बैठे हुए हैं साइड में। और यहाँ से ट्रेन खुलेगा लगभग 5 मिनट के समय लेकर। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, और तब तक आप चैनलवा को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा महाराज। तो चलते हैं यहाँ से। उठिएगा महाराज, हाँ उठ जाइए। चलिए, ओ गेटे पे बैठल छो, उतरे छै। भीड़ है, भीड़ है, पूरा तगड़ा भीड़ है। आइए सर। हाँ, तो गाय जाने वाले थे कहीं और, पहुँचे हैं कहीं और। कहाँ जाने वाले थे सर? सलौना। जाने वाले थे सलौना, अब पहुँचे हैं हसनपुर रोड। तो अब यहीं पर जिनसे मिलना है उन्हीं से मिलेंगे थोड़ी देर में। तो थोड़ा देर तक यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ का भीड़ भी देख लीजिए, बहुत ही तगड़ा है। अभी इसी ट्रेन से उतरे हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बैठे हुए हैं और फ़ोन लगा रहे हैं जिनसे हमें मिलना है काम के लिए। तो देखते हैं आते हैं या नहीं आते हैं। और अभी से फ़ोन लगना बंद हो चुका है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपना यहाँ से ट्रेन भी खुल चुका है। बाय बाय ट्रेन। सभी चढ़ गए हैं ना जी? ट्रेन जाते के साथ यहाँ पर पूरा जो है कि सन्नाटा सा हो चुका है।
और यहाँ पर टहल रहे हैं हम दोनों भाई, और यहाँ पर एक आध दो पब्लिक हैं देख सकते हैं इस साइड में। और यहाँ पर सबसे खास बात है कि नल उल का कोई व्यवस्था नहीं है, है लेकिन पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है पानी। ये देख सकते हैं भैया, दाब देते हैं, सिर्फ एयर निकल रहा है, सिर्फ एयर निकल रहा है। और कचरा देख लीजिए, रेल मंत्री देख लीजिए कचरा अपने स्टेशन का। लेकिन यहाँ का बादल का नज़ारा बड़ा ही तगड़ा है, आप सबको अच्छा लग रहा होगा यहाँ का सीन, अच्छा बादल है भाई। चलते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। भाई साहब तो खा के आए हैं, हम तो चाय बिस्किट लपेट दिए थे। बिहार का लिट्टी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, यही बात है ना। इनको शर्म लग रहा है, पता नहीं कहाँ है, अपना वीडियो बना रहे हैं, किसी का थोड़ी वीडियो बना रहे हैं भैया। चलिए बाहर तक, और सवारी को देखिए क्या बात है, ठीक, वाह वाह, मेहमान नवाजी, वाह वाह वाह, नहीं सही है। चलिए यहीं खाते हैं हम लिट्टी समोसा भाई, एगो लिट्टी एगो समोसा, और पता नहीं ये पहले से खा के आए हैं। एक ही जगह, हाँ ये खा के आए हैं पहले घर से, क्या कीजिएगा, वीडियो बनाते हैं तो लगता है जैसे क्या कि पहली बार ना, मतलब नहीं होता है, अभी नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। लाखों में सब्सक्राइबर पूर्ण दीजिए। ये आ गया भैया अपना समोसा और लिट्टी छोला के साथ। गाइज लिट्टी समोसा भी हो चुका है, अब करेंगे वेट। आ चुके हैं फिर से स्टेशन से बाहर, और ये जो सामने में बाइक से हैं इन्हीं से मिलना है, और यही हमें काम के बारे में समझाएंगे, तो देखते हैं, कोई बात नहीं। चलिए हम सब धोखा खा चुके हैं, दूसरा कोई है। फाइनली गाइज आ चुके हैं कृष्ण कन्हैया स्वीट्स, और ये रहे भैया साहब। चलिए 3 hours later, सो फाइनली गाइज अपना यहाँ पर ट्रेन आ चुका है, ये रहा, और सीट भी फाइनली मिल चुका है। चलिए ट्रेन भी खुल गया और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है भाई साहब। चल भाई अंदर, चलिए यहाँ पर अपना सीट भी रखे हुए हैं चिक्कू जी। चल छोटे, चलिए भाई ये अपना सीट चिक्कू भैया पूरा अच्छे से खोज के रखे हुए थे, ये लीजिए भाई। जय हो बिहार। बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद आया है ट्रेन, अब यहाँ से खुला है, अब चले देखते हैं। 2 घंटा का समय लगेगा खगड़िया पहुँचने में। तो फाइनली अपना यहाँ से ट्रेन खुल चुका है भाई साहब, ये देखिए। तो गाइज आपको बता दें, यहाँ से जो मौसम का नज़ारा मिल रहा है बड़ा ही ज़बरदस्त मिल रहा है, आप सबको व्यू देते देते जाते हैं अपने घर की तरफ, तो नज़ारा भी लीजिए, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए पहले बाहर का सीन, चल। ये फिर से आ चुके हैं खगड़िया स्टेशन अपना घर। बड़ा लेट से पहुंचा है गाड़ी, शाम का 5 बज चुका है। चलिए सीधे अब घर चलते हैं, क्योंकि मोबाइल भी हमारा चार्ज नहीं है। यहाँ पर देखिए इनको शर्म लग रहा है, वीडियो बना रहे हैं। तो क्या है गाइस, खगड़िया सन्हौली दुर्गा मंदिर। जय माता दी, जय हो। चलिए बाय। चलिए दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं घर, घर आ चुके हैं भाई। आ,
5:40 हो चुका है, अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सुबह से कुछ खाए नहीं थे, चाय और बिस्किट खा के घर से गए थे और हसनपुर में ही लिट्टी और एक समोसा खाए थे जो कि अभी तक बिना खाए पिए ऐसे ही है। थोड़ा भूख लग गया है, शाम का 5:40 हो गया जैसा कि आपको दिखला ही दिए। चलिए अब खाना को खाते हैं। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, आज तो सारा दिन खाना खाए नहीं थे, अभी खाना खाते खाते शाम का 6 बज चुका है। रात में खाना शायद ही खाएंगे। और किस लिए गए थे हसनपुर रोड एक स्टेशन पड़ता है, छोटा मोटा स्टेशन है, तो अब बता दे वहाँ पर एक आदमी आए थे पेटीएम से, जो QR कोड लगता है ना, जैसे कहीं पेटीएम करते हैं तो बोलता है पेटीएम करो, वही वाला काम करने के लिए काम के तलाश में गए थे। तो उस जगह का जो डिलीवरी बॉय था ना जो पेटीएम कार्ड लगाता है, तो उसी से मिलने के लिए गए थे, उससे काम के बारे में पूछे समझे। और 2-3 दिन के बाद फिर से जाना पड़ेगा समस्तीपुर, उस जगह पर है ऑफिस, तो फाइनली वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे, नहीं हुआ तो और भी कुछ काम करेंगे। जैसे कि सोच रहे हैं अपने पास स्कूटी है तो कुछ ना कुछ यहीं पर सेल्समैन का काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 1 साल से अपना ब्लॉग बना रहे हैं और वायरल भी नहीं हो रहा है, पैसा भी लगाने के बाद वायरल नहीं हो रहा है, और भी पैसा इसमें लगाएंगे अपने यूट्यूब पर तो हो सकता है वायरल हो। तो यही सारा चीज़ था, काम के तलाश में भी इधर उधर टहल रहे हैं, खोज रहे हैं, तो घर भी चलाना है, इसी सब कारण ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये हो जाएगा बहुत बड़ा ब्लॉग। तो आज का ट्रेन जर्नी का सफ़र था हमारा, सारा दिन तो बाहर ही बीता है। चलिए इस ब्लॉग को कर देते हैं अभी यहीं तक, फिर करेंगे वीडियो को एडिटिंग। चलिए अच्छा लगा होगा तो आपको ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।